उत्तर प्रदेश जीके का आज हम लोग नौवां या दसवां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। अब ये अध्याय पढ़ने से पहले आपसे एक बात बोलेंगे। जैसे आप लोगों में से तमाम ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि मैथ जल्दी खत्म कर दीजिए, हिंदी या जो भी है, तो आप हमेशा के लिए देखिए, जब भी हमारी क्लास करिएगा, एक चीज आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, सिलेबस हम लेट खत्म करेंगे। सिलेबस जो 20 दिन में खत्म होना चाहिए उसे हम 30 से 35 दिन लगा देंगे, मगर कंटेंट से हम तनिक भी लापरवाही नहीं करेंगे। जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं उनसे हम कतई लापरवाही नहीं करेंगे, ठीक है ना। और सिलेबस जो है समय से खत्म होगा। आपको जो मैथ की बात है, अभी क्या कि एडवांस मैथ से शुरू किए हैं, और जब तक यूपी जी के हिंदी खत्म नहीं हो जाते, ये दो सब्जेक्ट जब खत्म होंगे तो आगे के दो चैप्टर आएंगे, उसमें आपके रीजनिंग और मैथ जुड़ जाएंगे। अने तब तक आपको सिर्फ सोमवार को मैथ मिलेगी, दो चैप्टर मैथ से सिर्फ दो चैप्टर आपको सोमवार के दिन हफ्ते में मिलेगा, ठीक है ना। तो आइए पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। ये देखिए, आज हम लोग को ना यूपी के ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ना है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा संसाधन को बखूबी हमें समझना है। चैप्टर देखिए बहुत छोटा है, नॉर्मल है, छोटा है। पहले ऊर्जा संसाधन का मतलब भी आप जान लीजिए। ऊर्जा का मतलब क्या है? जैसे अभी आप बैठे होंगे, अभी आप जिस रूम में बैठ करके ये वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बाय चांस गर्मी का सीजन है को आपको पंखे की जरूरत है, एलईडी है, आपका जो भी बल्ब बल्ब जला करके पढ़ रहे होंगे या टीवी देख रहे हैं, तमाम, तो विद्युत चाहिए ना, बिजली, बिजली आपको चाहिए। कोई व्यक्ति जो अमीर है अपने घर पे सोलर पैनल लगवा लिए हैं तो सौर ऊर्जा के माध्यम से अपनी बिजली ले ले रहे हैं। काफी लोग हैं जो कि देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से बिजली का जो स्रोत है, ऊर्जा का जो स्रोत है, यह तीन तरीके का है। एक आप जानते होंगे, टरबाइन के माध्यम से जो जल गिरा करके टरबाइन पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है, बड़े बड़े बांध बना करके वहां पर आपको जल विद्युत ऊर्जा मिलती है। फिर एक दूसरा क्या है, कोयला वेला के माध्यम से, जैसे कोयला है, इन सबके माध्यम से तापीय विद्युत ऊर्जा उत्पादित की जाती है। और सबसे बड़ी बात, अभी देखिए आपके दिमाग में ये तुरंत हो जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश की जो बिजली का उत्पादन है सबसे अधिक मात्रा में किस पर डिपेंड करता है? तापीय ऊर्जा पर। रीजन क्या है? यहां पर आप उतने बड़े बड़े बांध नहीं बना सकते, आप हिमालय पर्वत के आसपास नहीं है, उत्तर प्रदेश का लगभग ज्यादातर भाग जो है मैदानी क्षेत्र का है, तो उतना ऊंचाई से पानी थोड़ा ना गिरेगा कि टरबाइन चला करके जल विद्युत ऊर्जा पैदा कर लेंगे। तो इसलिए आपको यहां पर सबसे ज्यादा तापी ऊर्जा मिलेगा। अब क्या हो गया है कि सरकारें जो भी है, जो भी सरकारें हैं अपने अपने राज्य में सौर ऊर्जा के बारे में सोचना शुरू कर दी हैं, जो कि सोलर प्लांट जो लगता है ना, सोलर पैनल, कि सूर्य के प्रकाश से जो है बिजली तैयार होती है, उस पर पड़ती है, तब जाकर के आपका इन्वर्टर चार्ज होगा, बल्ब जलेगा। तो मुख्य रूप से आपको यह जानना है कि ऊर्जा के उत्तर प्रदेश में या कहीं पर भी स्रोत कितने हैं? तीन स्रोत हैं। आप वो कार्य सामर्थ्य ऊर्जा जो है, वर्क पावर एनर्जी, साइंस वाले में मत जाइएगा, ये ऊर्जा का मतलब बिजली के उत्पादन से है। किससे है? बिजली के उत्पादन से है। आप लोगों में से कुछ लोग थे जो कि कह रहे थे कि साइंस का ये चैप्टर हेड ऑपरेटर में नहीं है, ये चैप्टर असिस्टेंट ऑपरेटर में नहीं है, तमाम लोग कह रहे हैं। हम आपको बार बार बोलेंगे, आयोग का जो बनाया गया सिलेबस है, अध्याय के बीच बीच में से काट काट करके दिया हुआ है। अब दे दिया जल, किसी के देखेंगे तो उसमें सिलेबस में जल है, तो जल के बारे में आपको पृष्ठ तनाव से लेकर बर्नौली प्रमेय है, श्यानता गुणांक से लेकर के पास्कल का नियम हो, या मतलब कोई भी है, कई चैप्टर में जल से रिलेटेड चीजें, द्रव्य हो गया, द्रव्य वाला जो है उसमें भी जल आता है, तो बहुत से तरीके हैं उसमें, तरंग दैर्ध्य है, अनुप्रस्थ तरंग है, वह भी आ जाएगी उसमें, कि जल में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है उसके सतहों पर, तमाम चीजें हैं। अब देखिएगा, पहले यूपी का मैप समझाते हैं, आप इसको समझिए, उसके बाद तो पूरा आप दिमाग में अपने बखूबी भर लेंगे, ठीक है ना। तो पहले आप यूपी के मैप को समझने का प्रयास करिएगा, फिर तो आपको समझाना ही नहीं है। जो लोग रेगुलर क्लास करते हैं उन्हें तो पता है कि हम मैप कैसे बताते हैं। देखिए, बिजली का उत्पादन करना है, किसका उत्पादन करना है? जो आप बैठ करके एलईडी के सामने पढ़ाई कर रहे हैं उसके बिजली का उत्पादन करना है। तो वो बिजली उत्तर प्रदेश में आती कैसे है? सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में वो बिजली आती कैसे है, किन क्षेत्रों में उसका उत्पादन होता है,
मुख्य रूप से आपको जैसे होता है ना, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हो सकता है नौकरी पा गए, पढ़ाई वढ़ाई छूट गई, तो ये नॉलेज रहेगा तब तो हम लोग जानेंगे कि नहीं। हाँ क्या है, एक देखिए ये ऊपरी क्षेत्र है, इसे किसके नाम से जानते हैं बताइएगा, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, ऊपर वाले क्षेत्र को तराई भाबर या तराई क्षेत्र, कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टरों में, क्योंकि यह हिमालय पर्वत हमारा देखिए ये पीलीभीत है, यहां पर आपका क्या है, जिला पीलीभीत है, पीलीभीत के इधर उत्तराखंड है और इधर कौन सा है, नेपाल है, और ये पूरा जो है हिमालय पर्वत का तलहटी वाला क्षेत्र है जो पानी निथर करके आता है, तो ये पूरा दलदल है। एक चीज तो आपके दिमाग में आया होगा कि अरे यार पानी हिमालय से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, तो इधर यहां सब नदी भी बहुत निकलती है, घाघरा से लेके कौन कौन सी बहुत सी नदियां हैं, गंडक हो गया, उसके बाद करनाली है कि नहीं, गंगा है, राम गंगा है, तो आपको दिमाग में आया होगा कि तो पनिया ऊपर से आ रहा है, यानी कि इधर जल विद्युत का उत्पादन होने की संभावना है, क्योंकि नदी बहुत निकलती है, अब प्लस वो नदियां ऊपर से आती हैं, हिमालय के तलहटी से निकलती हुई गोमुख हिमनद से गंगा आती है, और वहीं आपकी राम गंगा बगल में है कि नहीं। अब देखिए दूसरा कहां से होगा, एक क्षेत्र आपका हो गया ये वाला, कौन सा है, ये नीचे वाला क्षेत्र है। देखिए नदियां हमारे उत्तर प्रदेश में ऊपर से प्रवेश करती हैं और नीचे से प्रवेश करती हैं, इधर कौन सा जिला है, राज्य है, आप कहेंगे मध्य प्रदेश है। जानते हैं क्लास का जो तीसरा है, तीसरी क्लास जो है जलवायु वाला जो चैप्टर है, उसमें एक इतना बड़ा हमारी मूर्खता रही है, जनरली क्या है कि जो स्टूडेंट डायरेक्ट उस चैप्टर को देखेंगे वो कहेंगे हम तो बहुत गलत पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी बेवकूफी वहां पर हुई है ना कि हम बता नहीं सकते। सब लोग जानते हैं कि दिल्ली पंजाब के बगल में हरियाणा यहाँ है, क्या है, दिल्ली और पंजाब के बगल में हरियाणा यहाँ पर है, जो कि सीमा बनाता है 6 राज्यों से। ये पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में बखूबी हम बताए हैं कि हरियाणा 6 जिलों से सीमा बनाता है, दिल्ली के पास है भाई, पंजाब के बगल में हरियाणा जो होते हैं साक्षी मलिक से लेकर के तमाम, आप लोग जानते हैं कि जाट से लेकर क्या क्या, मतलब पहलवान सब हरियाणा से निकलते हैं। हम क्या किए हैं, यहाँ पर बिहार भाई सोनभद्र से 4 राज्य सीमा बनाते हैं, उत्तर प्रदेश का एकमात्र, अरे हमारे भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो सर्वाधिक 4 राज्यों से सीमा बनाता है। इधर ये आपका बिहार है, बिहार हो गया, फिर बिहार से टूट करके बना है झारखंड, बिहार से ही कट करके क्या बना है, झारखंड बना है, इसके बगल में छत्तीसगढ़ है, कौन सा है, छत्तीसगढ़, ये तो आपका मध्य प्रदेश सही है। तो हम क्या कर रहे हैं उसी वीडियो में, शायद छत्तीसगढ़ को बार बार हरियाणा बोल रहे हैं, इधर हरियाणा बताएं, शुरू में वही वीडियो में ना उसी क्लास में इधर हरियाणा बताएं, बार बार ही जो हरियाणा बता रहे हैं, तो ये हमारी मूर्खता कर लीजिए, या हर स्टूडेंट ऐसी गलती करता है, मुंह से कुछ और बोलता है और लिखता कुछ और है, समझ में दिमाग कुछ और कहता है, ये सबके साथ होता रहता है। तो अब देखिए इतना तो आप जान गए ना कि जो बिजली का उत्पादन है उत्तर प्रदेश में, या तो ऊपर से होगा या तो नीचे से होगा, कौन कौन सी, ताप वाला और जल वाला, जल से टरबाइन गिरा भाई, इधरों से नदियां जाती हैं, चंबल सिंध बेतवा केन सोन टोंस, इधर तो कई नदी हैं, अब मध्य प्रदेश जो है पठार है, उस पठार के ऊपर से नदियां निकलते हुए ऐसे आती हैं उत्तर प्रदेश में बह के, तो वहां पर भी बांध बना हुआ है, तो वहां पर भी जल विद्युत ऊर्जा है, मगर उसके साथ साथ इधर तो सिर्फ जल वाला है, इधर क्या है, जैसे ये जो ऊपर वाला तराई क्षेत्र है, यहां से आप सिर्फ जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, कौन सा, जल विद्युत, रीजन क्या है, क्योंकि इधर यहाँ कोयला कोयला नहीं मिलता है, विद्युत का उत्पादन किससे होता है, गदर पिक्चर आप लोग देखे होंगे या कभी काल को मालगाड़ी और गाड़ी जो देखे थे कि कोयला लाद करके ले जाती है, क्या करती है, कोयला लाद करके। कोयला सबसे ज्यादा मिलता कहाँ है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, और ये हमारा सोनभद्र, कौन सा है, जिला उत्तर प्रदेश का सोनभद्र है भाई, नीचे असम उड़ीसा की बात मत करिए, मुख्य रूप से जो कोयला है उत्तर प्रदेश में, ये आपके छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार से होते हुए ये जो सोनभद्र जिला है यहां से काफी अधिक मात्रा में निकलता है। अब एक बात बताइए, यहां से कोयला निकल रहा है
तो ताप वाला जो विद्युत का प्लांट यहां लगाएंगे तो यहां से वहां ले जाने में आपको कम से कम 600 किलोमीटर, कम से कम 400, 500, 600 किलोमीटर कोयला को रेल के माध्यम से ले जाना पड़ेगा। तो खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इससे बढ़िया भैया इधर है ताप वाला उगा लिया जाए, जो ताप विद्युत का उत्पादन है, दरिया कोयला निकल रहा है तो दरिया को काम कर लिया जाए। तो वही रीजन है, मेरे कहने का मतलब समझिए, ऊपर जल विद्युत ऊर्जा है आप उसको जान गए, और नीचे क्या है, जल के साथ तापीय ऊर्जा भी है। रीजन क्या था, जल के लिए तो नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस सब नदियां जा रही थी, वो तो जल का काम कर ही रही हैं, साथ में हमको कोयला मिल गया, और कोयला मिल गया तो मजे मजा है, ताप वाला भी उगा लेंगे, उत्पादित कर लेंगे। तो इतना तो आप जान गए होंगे। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं, इतना तो मान लीजिए समझने वाली बात थी। और हाँ, आप लोगों से एक बात कहेंगे, देखिए हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि जैसे क्या होता है ना, YouTube पे जो भी चीजें हैं वो तो मान लीजिए अलग की बात है, हम चाहते हैं ना कि एक बार जब आप पढ़ लेना हमारी नोट्स बना करके, एक बार यदि आप पढ़ ले तो यकीन मानिए ना, आपका दिमाग खुद कहेगा कि नहीं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी। आप पढ़े लिखे शिक्षित के साथ साथ टैलेंटेड है, आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पास आईक्यू लेवल है, आप समझ सकते हैं ये सब चीजें जो है ना। स्टूडेंट को इतना टाइम नहीं रहता है कि किताबों को बखूबी पढ़े, ढूंढे, समझे, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, उसमें टाइम की बर्बादी होती है। और हम जैसे होता है ना कि मिडिल कास्ट वालों के पास उतनी टाइम, उतना समय नहीं रहता, किताबें उनको जब बोझ लगने लगती है, प्लस घर का झंझट, मुसीबतें अलग से रहती है, तमाम चीजें रहती हैं, तो वो किताबों को ना उतना गहनता से, उतना टाइम लेकर के नहीं पढ़ पाएंगे। इस वजह से हम चाहते हैं ना कि आपको जो भी चीज एक बार हम पढ़ा दें, या जो भी हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं उनको हम 2022 से लेकर के 2024 तक, इन 2 सालों के बीच में, 2.5 सालों के बीच में नौकरी के एकदम पावधान पर खड़ा कर दें। मेरा मेन मकसद ये है कि आप पढ़ें तो प्रश्न यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए, हर हाल में नहीं जाएगा। देखिए कैसे समझिएगा, अब आप जान गए कि ऊर्जा उत्पादन जो उत्तर प्रदेश में 3 तरीके से होता है, ताप वाला है, जल वाला, अब ये सौर वाला है, तो सोलर प्लांट लगाना है, जहां मन तहां बैठा दीजिए, बीच में बैठाइए, किनारे बैठाइए, ऊपर बैठाइए, नीचे बैठाइए, अगल बैठाइए, बगल बैठाइए, सोलर प्लांट जिधर मन उधर लगा दीजिए, क्योंकि उसके लिए ना कोयला का जरूरत है और ना पानी का जरूरत है। फिर देखिए ये तो चीजें मान लीजिए हो गई, इतना चीजें जो है हो गई। अब देखिए हम समझते हैं कि बिजली का उत्पादन उत्तर प्रदेश में कब से शुरू हुआ है। आपके दिमाग में सबसे पहले जो है ना यह प्रश्न अपने से आना चाहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में बिजली का उत्पादन सबसे पहले शुरू में कब से हुआ और कहां से हुआ, कौन सा प्लांट लगाया गया, ये प्रश्न आपके दिमाग में बखूबी आना चाहिए। और यदि आपके दिमाग में ये आ गया तो यह भी आ गया होगा कि ये जो बिजली का उत्पादन है आजादी से पहले हुआ होगा, क्योंकि अंग्रेज किए होंगे, अंग्रेजों को आराम चाहिए था, रेलगाड़ी अपने आराम के लिए लाए, व्यापार करने के लिए तमाम चीजें हैं। देखिए ये आपका जो है ना हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र अलीगढ़, कहां पे, अलीगढ़, देखिए यही है, ये आगरा मथुरा के बगल में इधर है अलीगढ़ है, जैसे आगरा है, मथुरा है, इधर गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, तमाम है कि नहीं, तो यही आगरा और मथुरा के ऊपर जो है ना अलीगढ़ है, इसी अलीगढ़ के पास। अब देखिए जो दिल्ली है, समझिए मेरी बात को, ये क्या है, दिल्ली है, और अलीगढ़ के बगल में आगरा भी है, तो अंग्रेजों का शासन इधर बहुत ज्यादा रहता था। आपको सोचना पड़ेगा अंग्रेजों का जो मुख्यालय है, राजधानी है, सबसे ज्यादा कहाँ रहती थी, आगरा के साथ साथ दिल्ली के आसपास, क्योंकि मुगल जो थे, जो मुगल साम्राज्य था वह इन क्षेत्रों को ज्यादा समृद्ध कर दिए थे, मुगल, आगरा वगैरह, ताजमहल, कुतुब मीनार सब तो आप जानते ही हैं। तो सबसे पहला जो विद्युत संयंत्र है ना कहां पर लगाया गया, हरदुआगंज में अलीगढ़, कब लगाया गया, 1942 में, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और साथ में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, पूरे विश्व में विश्व युद्ध चल रहा था, हमारे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। उस समय अंग्रेज यहां पर
हरद्वागंज तापीय विद्युत संयंत्र लगाए ताकि बिजली का उत्पादन किया जा सके। मुझे लगता है आपको जो हम चीजें बता रहे हैं ना, आप बखूबी समझ रहे होंगे। और नोट्स में देखिए क्या है ना कि ज्यादातर चीजें हम टेलीग्राम पे लिख देते हैं और पढ़ते भी रहते हैं। आप लोग कहते हैं कि दाएं बाएं हट जाने के लिए कि आप लोग नोट्स बनाते हैं, तो लिखते चले। अब देखिए ऊपर का लाइन हम पढ़ दे रहे हैं कि तापीय विद्युत ऊर्जा, तीन चीजें थी, एक ताप था, दूसरा जल था, तीसरा सौर था। तो पहला हमें क्या पढ़ना है, तापीय विद्युत ऊर्जा पढ़ना है। जब इसको खत्म कर लेंगे तब जल को पढ़ा जाएगा। अब तापीय विद्युत ऊर्जा में है क्या, तापीय विद्युत ऊर्जा का उत्तर प्रदेश के वैद्युत क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है। हमारे यहां जो बिजली का उत्पादन होता है उनमें से सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन तापीय विद्युत क्षेत्र से होता है। ये बात आपके दिमाग में ये प्रश्न बन सकता है, विकल्प दे दिया सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, आप जानते रहेंगे तापीय है, आराम से कर लेंगे। हरदुआगंज कहां है, किस जिला में पड़ता है, अलीगढ़ में पड़ता है। कब इसकी स्थापना हुई, 1942 में हुई है कि नहीं, देखिए यह राज्य का सबसे पुराना विद्युत गृह है। इसकी स्थापना जो है 1942 में हुई थी, अलीगढ़ के निकट इस विद्युत केंद्र का पुनरोद्धार। भाई अंग्रेज जो है ना इसको बना के चले गए, अंग्रेज क्या किए, इसको बना के चले गए। तो भाई अंग्रेज थे बस अपना फायदा उठाने के लिए, छोटे मोटे क्षेत्र में अपने मुख्यालय के आसपास बिजली का उत्पादन हो जाए, इतने ना काम किए होंगे। बाद में क्या हुआ, इंडिया का मित्र जो है, इंडिया का सदाबहार दोस्त कह लीजिए, कौन है, रूस है, जो कि अभी क्रीमिया वाला विवाद चल रहा है और रूस भिड़ाए हुए है। सही है, बेटा को समझा रहा है कि मान जाओ ऐसा काम मत करो, वहां से अमेरिका जैसे दुश्मन को ला के हमारे बॉर्डर पर मत खड़ा करो। तो यूक्रेन मान ही नहीं रहा है, अब भिड़ा दिया है, मस्त है एकदम, उसको वही चाहिए था। अब पाकिस्तान है, चाइना को ला करके खड़ा करता है जब इंडिया के बगल में, तो इंडिया को कितना दर्द होता है, हम लोगों को बहुत बुरा लगता है। अब रसिया के सामने उसके बॉर्डर पर दुनिया के दो सबसे बड़े देश रसिया और अमेरिका, अब उस दुश्मन को अमेरिका को वो अमेरिका महाद्वीप से उठा करके लाके उसके बॉर्डर पर जब रखोगे, नाटो में जाने का मतलब क्या है, उसके सैनिक यहां पर आएंगे, क्योंकि 300 जो देश हैं मिलकर के रसिया को मारेंगे। तो जब तुम उसके सीमा पर लाओगे तो बर्दाश्त नहीं ना करेगा, तो वो भिड़े बन करेगा, तुमको चेतावनी दिया मान जाओ ऐसा काम मत करो, नाटो में शामिल मत हो, और नहीं मान रहा था सिखिया आया था, अब भिड़ा दिया एकदम मस्त है। अब देखिए क्या है, तो रूस क्या किया 1968 में, जानते हैं 1962 में युद्ध हुआ था, 1965 में युद्ध हुआ था, चाइना और पाकिस्तान से हमारा दो युद्ध हुआ है, और उस समय हमारा सबसे बड़ा मददगार कौन रहा है, रूस रहा है। भारत में जितने भी नाभिकीय संयंत्र से लेकर के परमाणु ऊर्जा केंद्र हो, तमाम चीजें हैं, हर एक चीज में टेक्निक में टेक्निकल से जितनी भी चीजें हैं सब में मदद कौन किया है भारत में, शुरू में रूस किया है। यह हमेशा भारत को तैयार करता रहा है, नई नई चीजें देता रहा है, आज भी तमाम जो है ना चीजें भारत को देता रहता है ताकि भारत दूसरों से लड़ सके। तो ये क्या किया ना 1968 में इस हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र को थोड़ा सा विकसित कर दिया, उसका पुनरुद्धार, जैसे होता है ना हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे सरकारी कॉलेज में, तो कॉलेजवा एकदम खंडहर जैसा रहता है, अब थाने होने पर जाएंगे जब नौकरी करेंगे तो पूरा थानावा एकदम खंडहर जैसा लगता है। तो कुछ अच्छे भले लोग आते हैं ना तो कॉलेज का मरम्मत करा के एकदम चमका देते हैं, एकदम वीआईपी कर देते हैं, वही काम रूस किया 1968 में। 1968 में क्या किया, हरदुआगंज को काफी हद तक एकदम बढ़िया आधुनिकीकरण से जोड़ा और उसमें बहुत चीजें सुधार किया। फिर देखिए क्या है, तो ये हरदुआगंज से जितने प्रश्न बन सकते थे, भाई इसका पुनरुद्धार कब किया गया, 1968 में किया गया, किसके माध्यम से किया गया, रूस के माध्यम से किया गया, हरदुआगंज ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई और किस जिले में, ये तमाम प्रश्न है जो कि कई तरीके से बनते रहते हैं। फिर देखिए ओबरा ताप विद्युत केंद्र है और रोजा ताप विद्युत केंद्र है, दो है। ओबरा जो है ना, ये जो ओबरा ताप विद्युत केंद्र है, इस पूरे पूर्वांचल का, पूरे पूर्वांचल के रीढ़ की हड्डी है, पूरे पूर्वांचल का जो सूर्य है ना, कौन सा है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र है, क्योंकि ओबरा से ही ना जो बिजली का उत्पादन होता है।
उभरा में तापीय वाला भी है और जल वाला भी है, दोनों है। इस वजह से यहां से काफी अधिक मात्रा में बिजली का उत्पादन होता है जो कि पूरे पूर्वांचल को हमेशा प्रकाशित करता है। अगर यहां पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना तो पूर्वांचल अंधेरे में चला जाता है। तो इतना सा आप समझ गए होंगे कि जिस पूर्वांचल को एक राज्य बनाने की मांग होती है, जिस पूर्वांचल को एक नया राज्य बनाने की मांग होती है, उस राज्य को कह लीजिए या उस पूरे पूर्वांचल को कौन संभाल रहा है? ये आपका ओबरा ताप विद्युत केंद्र पूरे तरीके से संभाल रहा है, जो कि सोनभद्र में है। कहां पर है? सोनभद्र में। अभी तो आप जाने हैं ना कि जो कोयला का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? सोनभद्र में होता है। तो इससे तो आप अनुमान लगा ही लिए होंगे। और यही सोनभद्र से रिहंद नदी जाती है। कौन सी? रिहंद नदी। उसी पर रिहंद बांध बना है। देखिए यहां पर चीजें क्या है। रसिया हमारा दोबारा मदद करेगा, जो रूस है दोबारा मदद किया 68 में, वहां किया। अब 67 से लेकर के 71 के बीच में जो ये नया स्थापित हुआ है, 67 में काम शुरू हुआ, 71 में कंप्लीट हो गया। भाई तापीय विद्युत संयंत्र लगाना है 4-5 साल तो लगना ही चाहिए, और वो भी पुराने समय की बात हो रही है, आज से 50-60 साल पहले की बात हो रही है। तो नॉर्मल सा चीज है, 67 में शुरू हुआ, 71 में बन करके तैयार हो गया। कौन सा? ओबरा तापीय विद्युत केंद्र। अब कौन मदद करके बनवा रहा है? रूस करा रहा है। तो इतना तो आप समझ गए ना कि आज जो हमारा पूरा पूर्वांचल, आज के समय में जो ये हमारा पूरा पूर्वांचल है, अगर प्रकाशित है तो इसमें किसका हाथ रहा है सबसे ज्यादा? आप कहेंगे रूस का रहा है, क्योंकि उसी की वजह से आज यहां पर बिजली का उत्पादन हो रहा है और पूरा पूर्वांचल प्रकाशित है। अपने से भी इंडिया करता, मगर भाई बाद में करता, लेट करता। इंडिया वालों का काम तो, देसी राजाओं का काम तो आप जानते ही है, कितना बढ़िया से करते हैं। एक तो नदी पर पुल बनाते हैं ना, तो पुल बनने में 5-7 साल लग जाता है, तब तक सरकार उधर बदल जाती है। रोड तक सही नहीं मिलेगा। काफी ऐसे गांव रहे हैं जहां 2010 के बाद बिजली पहुंची है, आजादी के 60 साल के बाद तो वहां बिजली पहुंची है, ऐसे कई जिले रहे हैं। फिर देखिए हम बात करते हैं आपके इस ओबरा की बातें क्या है और चीजें। यहां पर देखिए आप तो जान गए कि रूस की मदद से भाई 67 से लेकर के 71 के बीच में यह स्थापित हुआ है। और इसमें क्या है? सिंगरौली कोयला खान, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सी है? सिंगरौली कोयले की खान है। और ये कहां पर है? सोनभद्र में है, क्योंकि भाई ओबरा जो है सोनभद्र में है, तो सिंगरौली कोयले की खान कहां पड़ेगी? सोनभद्र में पड़ेगी। इसी के पास में ये आपका ओबरा ताप विद्युत केंद्र है। रीजन क्या है भाई? कोयला का सबसे बड़ा स्रोत हमको मान लीजिए, जैसे आप रख लीजिए यहां सबसे बड़ा कोयला का स्रोत मिल गया। कोई एक ऐसा जगह है जहां पर कोयले का जो बहुत बड़ा संसाधन मिल गया, आपको तापीय विद्युत ऊर्जा के लिए कोयले चाहिए, तो ऐसा तो है ना, आप यहाँ तापीय विद्युत ऊर्जा केंद्र बनवाएंगे तो कोयला यहां से यहां ले जाने में पैसे की बर्बादी होगी। तो एक काम किया जाए, एजे बना दिया जाए। इस वजह से इस कोयले की जो खान है, कोयले का जो सिंगरौली कोयले की जो खदान है, उसी के पास में ओबरा तापीय विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है, ताकि दरिया से कोयला ले लिया जाए, सरकार को उतना पैसा खर्च न करना पड़े, अब बढ़िया से बिजली का उत्पादन भी हो जाए, अब बढ़िया से हमेशा होता रहे। अब धीरे धीरे क्या है कि ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वो भारत के पास 2050 तक ही कोयले का भंडार पड़ा हुआ है, उसके बाद भारत को कोयले की जरूरत पड़ेगी। इसी वजह से जो सरकारें है ना सौर ऊर्जा की तरफ ध्यान देने लगी हैं, ताकि हमारा जो कोयला है बना का बना रहे, उतना मतलब कमी रहे। फिर देखिएगा इसमें तो यहां से जितने प्रश्न बन सकते थे आपके ओबरा ताप विद्युत केंद्र के बारे में आप जान गए। कब स्थापित हुआ, किसकी मदद से हुआ, कहां पड़ता है, किस जिले में है, और उसके बगल में कौन सी खदान है। फिर ये रोजा ताप विद्युत केंद्र है। पहला बात तो ये जान लीजिए कि जो रोजा ताप विद्युत केंद्र है, ये सरकारी नहीं है, ये क्या है? प्राइवेट है। रोजा ताप विद्युत केंद्र आदित्य बिड़ला ग्रुप बनाया था इसको। कौन? आदित्य बिड़ला, जो बिड़ला ग्रुप भाई सब जानते हैं, बिड़ला सीमेंट भी पहले आता था, तो उस कंपनी द्वारा इसकी स्थापना की गई। जैसे होता है ना, सरकारी कंपनियों को तमाम चीजें बेच देती हैं, तो कंपनियां अपना काम अपने पैसे से उसको संभालती हैं। तो ये आदित्य बिड़ला ग्रुप जो संभाल रहा था, शाहजहांपुर में है। कहां पर है? शाहजहांपुर में। तो इसके बाद क्या हुआ ना कि आदित्य बिड़ला ग्रुप के बस का नहीं रहा होगा काम, या वो मतलब कि असमर्थ हो गया होगा,
तो वो क्या किया, बेच दिया। अब बताइए किसको बेचेगा। बिड़ला ग्रुप से अमीर कौन भारत में है आज के समय में, सोचिए कि बिड़ला ग्रुप से अमीर कौन है। टाटा की बात छोड़िए, टाटा अपनी जगह है, मुख्य रूप से जो जंजाल फैलाने के मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज है। कौन सी है? रिलायंस ग्रुप। अब ये रिलायंस ग्रुप क्या किया ना कि 2006 में उस आदित्य बिड़ला ग्रुप से खरीद लिया कि भाई ये जो विद्युत परियोजना आप लोग शुरू किए हैं, सरकार आपको पैसा दे ही रही होगी, तो एक काम करिए, जब आपके बस का नहीं तो हमको दे दीजिए, हम देखें। तो ये आपका रिलायंस ग्रुप तब से लेकर के संभाल रहा है। और ये मेन चीज क्या है, किस कंपनी द्वारा स्थापित हुआ, कहां पर है, कौन कंपनी वर्तमान में देख रही है और कब सौंपी है, ये सब प्रश्न है। फिर हम देखिए बात करते हैं कुछ मुख्य ताप विद्युत संयंत्र हैं। ये कुछ मुख्य ताप विद्युत संयंत्र हैं, इनको क्या करिए आप याद कर लीजिए। दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर पड़ता है, कहां पर? दिल्ली के पास। ये भाई दिल्ली का बॉर्डर है, यहीं पर आप जानते हैं कि दिल्ली से सिर्फ दुइया जिला सीमा बनाते हैं, दिल्ली से एक गाजियाबाद सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश का सबसे सघन जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? यह आपका गौतम बुद्ध नगर है। दोनों दिल्ली से सीमा बनाते हैं। जनघनत्व गाजियाबाद का बढ़ने का रीजन जानते हैं क्या है? क्योंकि वो राजधानी के समीप बसा है। लोग जिनके पास पैसा होता है सब सोचते हैं जब राजधानी के पास जाए, इस वजह से गाजियाबाद में ज्यादा लोग बस गए हैं, ताकि भाई दिल्ली में जो है जमीन बची नहीं, अगर मान लीजिए बहुत महंगा है, आया प्रचारते कि राजधानी जल्दी पहुंचे तो गाजियाबाद भागे ज्यादा लोग, गाजियाबाद का विकास ज्यादा है, नगर निगम है, इस वजह से यहाँ का जनघनत्व जो है सबसे ज्यादा है। तो दादरी वाला है आपका जो ये है गौतम बुद्ध नगर में। बाकी बरेली, राय बरेली, एक क्लास में और बताए थे, आज हम फिर से बता रहे हैं कि बरेली और राय बरेली कहां पड़ते हैं। आप लोग बाय चांस हो सकता है उस क्लास में ध्यान न दिए हो, तो आज फिर से जान जाएंगे ना, तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। हमारे देखिए एक आदत है कि हम सोचते हैं ना कि आपको मैप से इतना पढ़ा दें, मैप से, कि आपको याद करना आसान हो जाए। समझिएगा, ये मान लीजिए आपका उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। देखिए मैप जैसा भी बनाते हैं हम सब लोग जानते हैं, ये उत्तर प्रदेश है। यहां पर राजधानी आपकी कौन सी है? कहेंगे लखनऊ है। ये हमारी राजधानी ठीक बीच में लखनऊ है। लखनऊ से ही जो ना बॉर्डर बनाता है, कौन सा? लखनऊ से। सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र राय बरेली कहां पर है? हमारी राजधानी से सटा हुआ है। कौन? राय बरेली। और ये आपका पीलीभीत के बगल में, पीलीभीत के बगल में कौन सा जिला पड़ता है? आप कहेंगे बरेली। पीलीभीत के जस्ट पश्चिम बरेली है, जहां से 1857 के क्रांति का नेतृत्व कौन किए थे? ये नाम तो बहुत कम लोग जानते होंगे, खान बहादुर खान विकल्प में मिल जाएगा तो वन लाइनर पढ़े हैं उड़ा देंगे, ये नहीं पढ़े हैं ना तो फंस जाएंगे, इसलिए कहते हैं वन लाइनर पढ़ने में, ये हमारी जो क्लास चल रही है ना इसको अटेंड करने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। खान बहादुर खान का नाम ही वक्त खां था, कई एग्जाम में क्या है खान बहादुर खां दिया ही नहीं है, वक्त खां दिया है, जो कि 1857 में क्रांति का नेतृत्व बरेली से किए थे। आपको पता चल गया ना, राय बरेली राजधानी के पास, बरेली उत्तराखंड से सीमा बनाती है, पीलीभीत के पश्चिम में है। तो अब देखिए क्या ना, इनको पढ़ देते हैं हम। ऊंचा हार आपके राय बरेली में हो गया, आंवला जो है बरेली में हो गया। फिर ये अंबेडकर नगर का टांडा है, मेजा मिर्जापुर में, भाई मेजा नमोए लिखा है, मेजा मेजा मिर्जापुर में, कहां पर है? मिर्जापुर में। और रिहंद वाला जो सोनभद्र, आप जानते हैं रिहंद नदी कहां से जाती है? सोनभद्र से जाती है। नॉर्मल डाटा है, आपको एकदम बखूबी याद हो जाएंगे। और हाँ, ऊर्जा संसाधन के साथ ही खनिज संसाधन भी पढ़ा जाएगा। कौन सा? खनिज संसाधन। इसके बाद जो दूसरी क्लास आएगी ना, इसमें दो चैप्टर हम एक साथ लिए हैं, ऊर्जा संसाधन प्लस खनिज संसाधन। तो अब इसके बाद ऊर्जा संसाधन में जल विद्युत परियोजना बची है, उसको शामिल करते हुए खनिज संसाधन को पढ़ लिया जाएगा, तो हमारे उत्तर प्रदेश के दो टॉपिक एक साथ बढ़िया से हैवी बले तैयार हो जाएंगे। अब आप लोग से आशा करेंगे ना, आप लोग पेशेंस रख के जो किताबें बताए हैं, देखिए आप लोग रात दिन मेहनत करके 2 साल मेहनत कर लेंगे ना, तो यकीन मानिए आप 50 साल ना बहुत मजा मारेंगे।
नहीं तो फिर वह होता है ना, गांव समाज में भी उतना कदर नहीं, इज्जत नहीं, सम्मान का अंतर आ जाता है। जो आपके घर अच्छे होंगे, परिवार अच्छा होगा, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, आपको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, तमाम चीजें आपके लाइफ का पूरा एकदम ढांचा ही बदल जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि 2 साल आप जम करके मेहनत कर लीजिए।